हार्दिक पटेल के साथ बात करना बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन अभिषेक उपाध्याय जो लगभग डेढ़ दो महीने से गुजरात में ही हैं, हार्दिक पटेल का कई बार इंटरव्यू कर चुके हैं और कई तरीके से उनसे सवाल पूछने की कोशिश की है हार्दिक पटेल, लेकिन जिस राह पर थे उसी राह पर हैं। साफ साफ कहते हैं कि बीजेपी को हराना है, हालांकि खुलकर अभी उन्होंने ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन कई जगह ऐसा इशारा दे चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो बाद में अच्छा ऑफर मिलने के बाद वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा भी बन सकते हैं। श्रीवास्तव जी कुछ इसमें जोड़ना चाह रहे थे। मैं इसमें जोड़ना ये चाह रहा हूँ, जब लोग परसों बात कर रहे थे उनसे उनके रोड शो के दौरान, तब यही सवाल हुआ कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आई तो क्या होगा, तो उनका जवाब बड़ा रोचक था। उन्होंने कहा, देखिए अगर नहीं आई तो मुझे राजद्रोह के जुर्म में 14 साल की अधिकतम जेल हो सकती है, हो जाएगी, तब मैं 38 साल का होऊंगा और बाकी जो गुजरात को बर्बाद करने वाले लोग हैं सब जारण जल छई, उस तरीके से उन्होंने कहा, जिसका मतलब है सब बुढ़ा गए होंगे। तो बीजेपी वालों के नेताओं के लिए उन्होंने कहा कि तब तक ये लोग बढ़ा गए होंगे और तब मेरा भविष्य शुरू होगा, अगर नहीं भी जीते तो भी। लेकिन बात करते हैं तो बड़ी सीधी बात करते हैं, स्पष्ट सपाट और बड़ी प्रैक्टिकल बात करते हैं, ये बात उनके बारे में कहनी पड़ेगी। जी शाहनवाज जी कुछ कह रहे हैं। हाँ सर, है कुछ। ये दिल्ली, आज दिल्ली में चर्चा बदल गई, आपके इंटरव्यू का इंडिया टीवी का इंटरव्यू यूट्यूब पे डाल दीजिए हार्दिक पटेल का, उसको देख लेंगे लोग। तो दिल्ली के जो पॉलिटिकल पंडित हैं जो अफवाह फैलाने में लगे हुए थे, उसको आज हार्दिक पटेल ने उनकी बोलती बंद कर दी है। यानी जब हार्दिक पटेल ही कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं तो वो दिल्ली में अफवाह फैलाने वालों को आज जवाब मिल गया। मैं समझ रहा था कि 18 को जवाब मिलेगा, लेकिन ये 14 को ही जवाब मिल गया। और अभिषेक उपाध्याय आपके, उन्होंने ये जवाब हार्दिक पटेल के जबान से दिलवा दिया है कि कॉन्फिडेंट तो वो भी नहीं दिख रहे हैं। जो लोग बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं उनको देखना चाहिए कि आज उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है हार्दिक पटेल की, आज उनकी बातों में जवाब क्यों नहीं है। बड़ी बड़ी बात करने वाले आज बड़े बड़े सवाल का दो दो शब्द में जवाब क्यों दे रहे हैं? जी ठीक, क्योंकि उनको मालूम है, उन्होंने नफस देख लिया है कि लोगों का मूड क्या है। शाहनवाज साहब, नजर नजर का फर्क होता है, आपको उनकी नजर में कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, किसी को आ रहा होगा। नजर का नहीं, नजरिए का फर्क है। नजर तो वही है जो हमें दिखता है, लेकिन जिनका नजरिया बीजेपी की नफरत के बुनियाद पर टिका हुआ है जी ठीक, उनको नजर आते हुए भी नजरिया दिखता है, नजर नहीं दिखती। अच्छा, रागिनी नायक हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। रागिनी, आपका स्वागत है। देखिए, बड़े अलग अलग किस्म से इंटरप्रेट किया जा रहा है नेताओं की बात को। हार्दिक पटेल आए, हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 100 के आसपास सीटें जीत सकती है। लोगों ने कहा कि भाई जिताना ही था और अभी तो केवल बोलना ही है, अभी कोई नतीजे तो आए नहीं, वो 120 भी कह सकते थे, लेकिन 100 पर अटक गए। देखिए, कमाल की बात है कि ये कहना कि कम से कम 100 सीटें आएंगी, शहनवाज जी को कॉन्फिडेंस में कमी नजर आ रही है। भाई, भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही थी छाती ठोक के कि 150 को पार करेंगे, वो तमाम सर्वे के बाद जो कोई 90 दिखा रहा था, कोई 95, कोई 100, बड़े खुश हो रहे थे और कह रहे थे हाँ हाँ देखिए हम तो बहुमत के करीब पहुंच रहे हैं। और जहां तक कॉन्फिडेंस की बात है, अगर कॉन्फिडेंस होता 22 साल के अपने शासन पर, तो मुझे लगता है कि उपलब्धियों की जगह सहानुभूति पर वोट न मांगना पड़ता। गुजरात का बेटा हूं, अस्मिता का सवाल है, वोट दे दो। मुझे लगता है तर्कों पर वोट मांगा जाता, भावनाओं पर वोट नहीं मांगा जाता, धर्म पर वोट नहीं मांगा जाता। हिंदू, गैर हिंदू, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन को गुजरात के चुनाव में उतार कर ना लाना पड़ता, और कथनी की जगह करनी पर वोट मांगते शाहनवाज जी। तो अब आप देखिए, बिहार में जब जीत नजर आई तो भी पाकिस्तान याद आया, अमित शाह जी बोले कि पाकिस्तान में बम पटाखे फूटेंगे, और अब गुजरात में हार नजर आ रही है तो भी पाकिस्तान ही नजर आ रहा है। तो पता चल रहा है कि किसके खेमे में आत्मविश्वास है, पाकिस्तान के लोगों के साथ दावत आप खाते हैं, पाकिस्तानियों के बीच चुनाव में बिरयानी आप खिलाती हैं, उनके साथ मीटिंग आप करते हैं, दूसरे दिन बयान प्रधानमंत्री को नीच आप लोग कहते हैं, आप नीच शब्द का उपयोग आप लोग करते हैं, आप लोग नरेंद्र मोदी जी खाने गए थे बिरयानी, आप जाकर मंदिर मंदिर जाकर माथा आप टेकते हैं, संप्रदायिक आधार पर आप बांटना चाहते हैं, जातीय आधार पर, जाति के आधार पर गुजरात को बांटने की कोशिश आप करती हैं और इल्जाम बीजेपी पर आयद करती हैं। पाकिस्तानियों के साथ दावत आप उड़ा रहे हैं, क्या जरूरत है? सब लोगों को गुजरात जाना चाहिए था,
गुजरात में ढोकला खाते, वहां जाके खाखरा खाते, तो यहाँ बिरयानी और कोरमा खिला रहे हैं उनको, कसूरी को जाके गुजरातियों के साथ खाना चाहिए था ना। चुनाव गुजरात में है जी, जरूर, आप पाकिस्तान के लोगों के साथ क्यों बिरयानी कबाब खा रहे थे? आप जाते खाखरा खाते, ढोकला खाते, वहां पे जाते। अच्छा जी शाहनवाज जी, उनके वो आपकी बात का जवाब दे रही हैं। वैसे शाहनवाज से हैं, शाहनवाज हुसैन वेजिटेरियन है क्या? हम मुद्दा ला रहे हैं, शाहनवाज जी वेजिटेरियन है क्या? विकास के मुद्दे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल जी ने तो स्वयं कहा कि गुजरात का इतना स्वादिष्ट खाना है, आप लोग पाकिस्तान से मीटिंग आप करती हैं साहब, तो हमने गुजराती खाना तो बहुत खाया चुनाव में। इतना इतना वक्त है पाकिस्तानियों के लिए, वक्त है गुजरातियों के लिए। अब एक एक करके शाहनवाज जी सुनिए, ये नेता गुजरात से जा सकते थे, प्रधानमंत्री जी को देश पाकिस्तानियों के लिए वक्त है, गुजरातियों के लिए वक्त नहीं है आपके नेताओं को। तिलमिलाहट है, अरे गुजरात जाते ना, गुजरात में जाते, थेपला खाते, खाखरा खाते, ढोकला खाते, शाहनवाज जी प्लीज आप उनकी बात सुन लीजिए, दोनों आप एक साथ बोल रहे हैं, किसी की बात समझ में नहीं आ रही। एक बार रागिनी बात कर लें पूरी, फिर शाहनवाज के साथ खुफिया लगी। जी जी नहीं नहीं नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए ना, अगर राष्ट्रद्रोह किया है उन लोगों ने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ और पूर्व अधिकारियों के साथ मीटिंग करके, तो आप देशद्रोह का मुकदमा दायर कीजिए। भाई एसपीजी प्रोटेक्टी थे वहां पर, सरकार को पता था, पाकिस्तानी लोग वीजा लेकर आए थे, लेकिन आप उसमें आप राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं एक प्राइवेट डिनर के ऊपर, कमाल की बात है। आप नियत पर शक कर रहे हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है रागिनी, अब आपकी बात का जवाब देंगे, अब आप प्लीज आप सुन लीजिएगा उनको, आप पीछे मत बोलिएगा। सेना के प्रमुख ने शर्मा उसने आपकी बात का जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान के साथ मिलकर, आप कहना चाहते हैं पूर्व राष्ट्रपति करना चाहते। ठीक है रागिनी, जी अब जवाब ले लीजिए रागिनी, आप जवाब सुन लीजिए ना, आपने ये तो आप खामोश हो गए रागिनी भी, आप प्लीज खामोशी से इनका जवाब सुन लीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ, हमें इतराज किसी बात पे नहीं कि आप कहाँ खाना खाएं, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो पाकिस्तान का मुद्दा ले आए, आपके पास इतना वक्त है आपके बड़े नेताओं के पास कि वो गुजरातियों के साथ खाना नहीं खा रहे पाकिस्तानियों के साथ खाना खा रहे। अरे आपके बड़े नेता गुजरात जाते, गुजरात की जनता खिलाती, बीच चुनाव में पाकिस्तान है, फिर आप बोलने लगी, यही दिक्कत, यही दुश्वारी है। मैं चाहता तो आपको उस वक्त नहीं बोलने देता मैडम, ये बहुत ये थोड़ी जाती है। देखिए वो आपके बीच में नहीं बोले थे, आप एक बार सुन लीजिए मैडम, बहुत वो मैं जानता हूँ आपको बहुत प्रोवोक करेंगे, बहुत अच्छा सुन के फिर जवाब दीजिए और जरा सुनना भी सीखिए मैडम। हाँ दिक्कत ये है कि जब इन्होंने कहा कि राष्ट्र, बोलिए देखिए तंज और कटाक्ष मुझे भी आते हैं आपसे ज्यादा आते हैं। हाँ जी, लेकिन आप युवा हैं तो मैं आप कष्ट करता हूँ, महिला हैं, मैं आपके बीच में नहीं बोलना चाहता। मैं आप जब आपने सवाल उठाया कि तो प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान का मुद्दा कराए, तो मैंने आपसे पूछा कि बीच चुनाव में जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष गुजरात में हैं, आप सब लोग गुजरात में हैं, तो आपके नेता इतने खाली हैं कि वो पाकिस्तानियों के साथ दावत कर रहे हैं, जाना चाहिए था गुजरात, वहीं जाकर बैठते, वहीं चर्चा करते, तो बीच चुनाव में आपको गुजरात की फिक्र नहीं, आपको पाकिस्तानी के साथ आप डिनर करें और दूसरे दिन प्रधानमंत्री को गाली दिलवाएं, नीच शब्द कहलवाएं, तो क्या सवाल पूछने का हक नहीं है कि इतना क्या इंपॉर्टेंट हो गया? हमारी पाकिस्तान से बातचीत बंद है, हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखे हुए हैं, और आप उनके नेताओं के साथ दावत क्यों कर रहे हैं? क्या आपको बताना नहीं चाहिए था? आप बात कीजिए, कोई राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, लेकिन देश को जानने का हक है, गुजरात को जानने का हक है, और हम विकास के मुद्दे पर हैं, हम विकास के मुद्दे पर चुनाव में थे, हैं, और विकास के मुद्दे पर चुनाव जीतेंगे। बहुत सवाल उठाए जा सकते हैं शाहनवाज हुसैन आपके ऊपर। शाहनवाज जी से एक सवाल भी करना, शाहनवाज जी मैं सुरेश बाफना आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान के साथ आपके रिश्ते इतने खराब हैं कि आप बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो कसूरी को वीजा किसने दिया, किसकी सरकार ने दिया वीजा? इसका मतलब यह है कि आपसी बातचीत जो दूसरे ब्रेकथ्रू के लेवल पर हो रही है, उसके बारे में आप क्या उसके भी खिलाफ है कि आपसी मिलना जुलना भी बंद हो जाए? नहीं नहीं, पाकिस्तान के लोग आते हैं, हमारे लोग भी जाते हैं। वीजा किसने, किसकी सरकार ने वीजा दिया? बातचीत नहीं होती है? अरे वीजा तो देते ही हैं साहब, वीजा वो भी देते हैं, हम भी देते हैं, तो ये नहीं है कि डिप्लोमेटिक के लोगों को या जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाले हैं
उनको वीजा को इनकार कर रहा है, कोई वीजा को इनकार नहीं कर रहा। और मैं माजरत चाहूंगा क्योंकि मुझे एक डिबेट पे और जाना है। जी जी, तो मैंने अपनी बात कह दी। आप नहीं, अब ऐसे गलत हो जाएगा, एक जवाब रागिनी का सुनने जाना पड़ेगा। शाहनवाज जी आप एक मिनट दीजिए, रागिनी का जवाब सुनिए फिर जाइए। जी रागिनी जी जी जी, विषय जो मैंने सवाल किया उसी पे जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, जो सवाल मैंने पहले भी उठाया कि यदि आप लोगों को आपत्ति है किसी पाकिस्तानी पूर्व अधिकारी के आने की तो आप वीजा ना देते। यदि आपको ये आपत्ति है कि वहां पर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था पाकिस्तान के साथ मिलकर, तो आप देशद्रोह का मुकदमा लगाएं, आप पीछे हट गए। अब तीसरी बात आपने पूछी कि देश को जानने का अधिकार है, तो पूर्व सेना अध्यक्ष ने खुद ही ये बता दिया कि वहां पर तो पाकिस्तान से रिश्तों के संबंध में बात हो रही थी, कोई षड्यंत्रकारी बात नहीं थी, गुजरात के चुनाव के सिलसिले में कोई बात नहीं थी। लेकिन आप उनकी बात पर भी क्यों विश्वास करेंगे? आप तो सिर्फ सेना के शौर्य का श्रेय बटोरने का काम करते हैं, और जब अपनी गुजरात के चुनाव पर आई तो आपने सेना को भी और सेना के पूर्व अध्यक्ष को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। और तीसरी बात मैं आपको विकास के मुद्दे पर जरूर कहना चाहूंगी कि यदि विकास हुआ होता तो आपको पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले मैनिफेस्टो रिलीज करना याद ना आता। अगर आप मुद्दों पर चुनाव कर रहे होते तो आप घोषणा पत्र जनता के बीच में लाकर चुनाव लड़ते। अगर आप मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे होते तो अमित शाह जी ने राहुल जी के पूछे गए रागिनी आपसे एक मेरा सवाल होगा जवाब देते हुए जरूर जवाब देने दीजिए। हो गया, इससे कम मैंने बोला था, उन्होंने हिंदू गैर हिंदू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उन्होंने रागिनी अब इनको जाना भी है, इनका सवाल थोड़ी है। अब शाहनवाज जी का सवाल है, 18वें पायदान पर क्यों पहुंचे? रागिनी आपने काफी बातें कह दी, काफी बातें आपने कह दी रागिनी। अब शाहनवाज जी बोलिए। देखिए ये कांग्रेस के लोगों ने कुछ फ्रेज रट लिए हैं, भाषण नहीं शासन नहीं, भाषण है और क्या क्या, एक दिन पहले क्यों आए, जो भी प्रवक्ता आते हैं वही रटा रटाया एक दो चार शब्द हमारे हर डिबेट में पूछते हैं। हमने कब जारी किया उसको दिन बहुत हो गए। हमारा काम 22 साल का हमारा काम ही गुजरात की जनता को मालूम है। जहां तक सवाल है कि आपको मैंने जब पूछा कि गुजरात में जाकर यहाँ क्यों चर्चा कर रहे थे, इसकी चर्चा नहीं की, इसका जवाब नहीं दी, इसका जवाब नहीं दिया। कांग्रेस बड़े बड़े दावे कर रही है लेकिन आज गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ है, बीजेपी के साथ है, ये इस तरह पूरा गुजरात भारतीय जनता पार्टी के साथ है ये दावा करती रहेंगी। 18 तारीख के सुबह तक इनका दावा 9:15 तक दावा रहेगा। बहलाने को गाले हाँ, ये ख्याल अच्छा है। हमें मालूम हम जन्नत की हकीकत, लेकिन पहली लाइन आपने गायब कर दी थी। जन्नत की शुक्रिया, 22 साल में निकल गई। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हुसैन जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रागिनी आपसे एक सवाल है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हमने देखा कि चुनावों में विकास का मुद्दा रहा ही नहीं, बातें नहीं हुई, राहुल गांधी ट्वीट करते रहे, सवाल पूछते रहे, लेकिन कहीं लगता नहीं कि इसके लिए जिम्मेदार आप खुद हैं? क्योंकि जब आपने शुरुआत की कैंपेन की तो आप लोगों की शुरुआत ही किस बात से हुई? विकास पागल हो गया, दूसरा जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स, तो आपने शुरुआत कर दी तो दोनों हाथ से ताली बजने लगी, एक ताली आपने दी एक हाथ उन्होंने दिया और ताली बजती रही और विकास गायब हो गया। नहीं, मैं तो इस आरोप को बिल्कुल ही खारिज करती हूँ। कांग्रेस ने अपना चुनाव लड़ा ही विकास के मुद्दे पर, रोज राहुल गांधी एक सवाल पूछते थे। हमने ये जानना चाहा कि गुजरात में शिक्षा को प्राथमिकता क्यों नहीं मिली पिछले 22 साल में, ऐसा क्यों हुआ कि 18वें पायदान पे पहुंच गई। राहुल जी ने पूछा कि 50 लाख घर बनाने का वादा किया था, आपने केवल 5 लाख घर क्यों बनाए, ऐसा कैसे हुआ कि 37,000 रुपए का कर्ज चढ़ गया, ऐसा क्यों हुआ कि कपड़ा व्यापारियों को 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, हीरा व्यापारियों का बिजनेस 20% कम हो गया, जीएसटी और नोट रागिनी यही जो आप पूछ रहे हैं, ये सवाल अगर आप सीधे पूछते विकास पागल हो गया गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया तो शायद इतना भटकता नहीं विकास और मुद्दे पर रहता। हम आपके पास लौटेंगे लेकिन आपको बताएं कि कुछ तस्वीरें सामने आई है, वीवीआईपी जो तमाम जो हमारे वोटर्स थे जिन्होंने वोट डाला है उनकी तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं। अमित शाह, अरुण जेटली, हार्दिक पटेल, आनंदीबेन पटेल, शंकर सिंह वाघेला और प्रधानमंत्री मोदी की मां जिन्होंने सुबह 8:30 बजे जाके मतदान किया था। 90 से ज्यादा उनकी उम्र है, 96 साल की है और उनका जो जज्बा था शायद इसने काफी लोगों को प्रेरित किया होगा, तभी शायद हर पोलिंग बूथ पर इतनी भीड़ भी नजर आ रही है।
आम हो खास हो, गुजरात में इस वक्त जबरदस्त तरीके से वोटिंग हो रही है। एक बार फिर वोट मीटर का भी जिक्र कर लेते हैं। वडोदरा में 16%, छोटा उदयपुर में भी 16.3% वोटिंग हो चुकी है, अहमदाबाद में 14.2, बनासकांठा में 15.7, पाटन में 16.8। जो जेटली थोड़ी देर पहले अहमदाबाद में एसजी हाईवे पर वोट डालने पहुंचे और वोटिंग के बाद जेटली ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। गुजरात ने पिछले कई वर्षों से अपनी विकास यात्रा में अच्छी प्रगति की है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुजरात की जनता बहुत अधिक मात्रा में बाहर आए। मैं उनसे अपील भी करता हूं वोट डालने के लिए। बिल्कुल। किन मुद्दों पे आपको लगता है कि गुजरात की जनता वोट डालेगी? प्रोग्रेस। जो चुनौती विपक्ष से मिली है आपको लगता है कि वो कड़ी है या 22 साल बाद फिर से जीत जाएंगे हम? जेटली साहब जीत होगी। तो आपने देखी तस्वीरों में अरुण जेटली और उनकी पत्नी ने वोट डाला है और ये तमाम तस्वीरें आ रही हैं। अमित शाह ने वोट डाला, उसके बाद आप देखिए अरुण जेटली की तस्वीरें आ रही हैं। आम नागरिक के तौर पर, एक वोटर के तौर पर लाइन में खड़े हुए। मैं, ये हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे लेकिन ऐसा लग रहा है प्रदीप जी कि कल जब से चुनाव आयोग वाला मामला उठा है कि राहुल गांधी को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था, उन पर FIR भी हो रही है, आज बीजेपी का कोई भी नेता वोट डालने के बाद 30-40 सेकंड से ज्यादा बात नहीं, ज्यादा हो सकता है ये दिमाग में हो कि हमें इस फेर में नहीं फंसना कि कोई हमारी बात को प्रचार न मान ले। सतर्क हो गए हैं और इसलिए भी कि कांग्रेस कोई काउंटर कंप्लेंट ना करे और हमारे लोगों पर सवाल उठे, इसलिए जितना संभव हो सके इससे बचें।